हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और साल 2017 में रशिया यानी कि चाइना का एलाई देश के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ह्यूमैनिटी कुड सून क्रिएट समथिंग वर्स देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। एक ऐसा इंसान जो फाइट करेगा विदाउट एनी फियर, एनी कंपैशन, रिग्रेट और पेन, मतलब बेसिकली एक इंसानी वॉर मशीन। तो क्या ये व्लादिमीर का दुनिया के लिए एक इनडायरेक्ट हिंट था कि उनका पड़ोसी देश चाइना इंसानों पर कुछ अनचाहे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? क्योंकि साल 2020 में यूएस के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मिस्टर जॉन रैडक्लिफ ने भी कुछ इसी तरह इशारा किया था बाय सेइंग बीजिंग की ताकत की भूख की कोई एथिकल सीमा ही नहीं है। सो वेल, आखिर ऐसा क्या चल रहा है बिहाइंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसके बारे में दुनिया के दोनों मेजर सुपर पावर्स हमें आगाह करना चाह रहे हैं? वेल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश्ड अपने ओपिनियन के जरिए जॉन रैडक्लिफ ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि चाइना अपने आर्मी ट्रूप्स पर ह्यूमन टेस्टिंग कर रहा है ताकि बेसिकली उनके बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके। लेकिन वेल, किस तरह की कैपेबिलिटीज? वेल, लेट्स फाइंड आउट। साल 2019 में एक वॉशिंगटन बेस्ड ग्लोबल रिसर्च ग्रुप द्वारा पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट और स्ट्रेटजिस्ट ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि फ्यूचर में बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या सिंपल बायोटेक्नोलॉजी ही मिलिट्री अफेयर्स में बदलाव लाएंगे। मगर कैसे बदलाव? बदलाव नंबर वन, चाइनीज वॉरियर्स एनहांस्ड कैपेबिलिटीज। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें मेनलैंड चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के हान ट्रूप शामिल थे। अब जोश जोश में इन हान ट्रूप्स ने पंगे तो ले लिए, मगर उसी साल अक्टूबर से नवंबर में लद्दाख की 12,000 फीट की ऊंचाई, अराउंड 20 डिग्रीज की ठंड और लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ने चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि ऐसे हार्श कंडीशंस को सिर्फ वहाँ के लोकल्स यानी टिबेटन्स ही झेल सकते हैं। और तभी लगभग उसी समय ये दो आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं, टिबेटन रिक्रूटमेंट इन पीएलए बाय एएनआई न्यूज और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ हान ट्रूप्स बाय जॉन रैडक्लिफ इन वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब इन दोनों आर्टिकल से अगर जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है तो दो चीजें सामने आती है। नंबर वन, चाइना के हान सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड और ठंड को झेलने में सक्षम नहीं है। एंड सेकेंडली, चाइना को या तो टिबेटन्स के साथ चल रही अपनी दुश्मनी के चलते उनकी लॉयल्टी पर शक है, या फिर अगर उन्होंने टिबेटन्स को भर्ती करना जस्ट शुरू ही किया है तो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग में अभी समय लगने वाला है। वेल, व्हाटएवर मे बी द केस, चाइना एक अर्जेंट नीड में है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर्स और लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे कंडीशंस में भी पूरे लॉयल्टी के साथ वॉर लड़ सके चाइना के प्रति, लाइक द हान ट्रूप्स बट विद एनहांस्ड कैपेबिलिटीज, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल व्हाट मैटर्स इज कि चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर चुकी एल्सा कानिया ने विल्सन वॉन्डिक के साथ अपनी जॉइंट रिसर्च में ये हिंट किया है कि चाइना अपने पीएलए सोल्जर्स को क्रिस्पर नाम के एक जीन एडिटिंग टूल के जरिए जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल सके। अब हालांकि इस टेक्नोलॉजी का पूरा ग्रास्प अभी तक चाइनीज साइंटिस्ट को भी नहीं है, लेकिन क्या ये इकलौता कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मॉडल है जो चाइनीज अपना रही है? वेल, बिल्कुल नहीं। चाइना दो और मॉडल्स पर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स। मिसाल के तौर पर साल 2011 से चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट वेस्ट और इंडिया में इस्तेमाल होने वाले एंटी स्लीप ड्रग मोडाफिनिल जैसे किसी एक ड्रग पर काम कर रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है द नाइट ईगल। नाउ, वैसे तो ये ड्रग वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन द्वारा इस्तेमाल किए गए मेथामफेटामाइन या फिर पर्विटिन जैसे हाई साइड इफेक्ट्स वाले ड्रग्स तो नहीं है, बट इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर कि दुनिया भर के आर्मीज अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में एनहांस करते आ रहे हैं, बट विद चाइना बीइंग एटलीस्ट 10 स्टेप्स अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम। जैसे 2014 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएस प्रेजेंटली स्क्रेप्ड टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट या सिंपली टालोस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एंड उसी तरह चाइना रिसेंटली मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन्स बनाने में जुटा हुआ है ताकि उनके सोल्जर्स वेट लिफ्टिंग या फिर फ्लाइंग के मामलों में आने वाले ह्यूमन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सके। यानी मोटा मोटा देखे तो चाइना उसी राह पर चल रहा है जिस पर यूएस डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA चला करता था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू विद इट्स इनसेन एक्सपेरिमेंट्स। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये पुराने या फिर नए जमाने के सो कॉल्ड सुपर पावर्स अपने सोल्जर्स को इन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, अपने ऊपर करवाने के लिए, गिनी पिग्स बनने के लिए ब्रेन वॉश कैसे कर लेते हैं? हाउ आर दीज सुपर वॉरियर्स मेड?
चाइना अपने केमिकल, टेक्नोलॉजिकल और जेनेटिकल तीनों ही मॉडल्स में ऑलमोस्ट वही मोटिवेशन यूज करता है जो वर्ल्ड वॉर टू के वक्त यूएस डारपा ने अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स पर मस्टर गैस टेस्ट करने के लिए यूज किया था। यानी कि पेट्रियोटिज्म का गाजर दिखाकर अपने निचले तबके के सोल्जर्स को लैब रैट्स या फिर गिनी पिग्स की तरह यूज करना। क्योंकि आज से तकरीबन 2000 साल पहले चाइना की हान डायनेस्टी में क्रिमिनल्स और निचले तबके के लोगों को आर्मी में ये कहकर भर्ती किया जाता था कि इससे आर्मी में भर्ती होके उनके समाज में इज्जत बढ़ेगी। सो अगर पीएलए के प्रेजेंट हान ट्रूप्स इसी मेथड से रिक्रूट किए जाते हैं तो इट मेक सेंस कि उनकी ट्रूप्स को चुना जा रहा है फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। बट इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज? वेल, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में चाइना अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करता है जिन्हें आप एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेटजी फॉर जेनेटिक मेथड, पिछले साल जुलाई में पब्लिश किए रूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लीडिंग प्रीनेटल टेस्ट किट्स बनाने वाली चाइनीज कंपनी BGI दुनिया भर के प्रेग्नेंट औरतों का और उनकी फीटसेस का जेनेटिक डेटा चाइना भेज रहा था फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस, ऑब्वियसली एज रिटन ऑन द कंसेंट फॉर्म ऑफ द निफ्टी टेस्ट किट। लेकिन एक मिनट, अनबॉर्न फीटसेस का जेनेटिक डेटा चाइना की नेशनल सिक्योरिटी से कैसे जुड़ा हुआ है? वेल, इसका हिंट एल्सा कानिया ने 2019 में ही दे दिया था। एल्सा ने अपनी रिसर्च में बताया कि चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट कमर्शियल एकेडमिक और अन्य रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि इनके एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ डेटा वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल कर सके। एक्सपेरिमेंट्स लाइक दीज, जिसमें चाइनीज बायोलॉजिस्ट ही यान कुई ने क्रिस्पर की मदद से पूरे दुनिया के सबसे फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज डेवलप किए थे विद द नेम लुलू एंड नाना। खैर, ये तो हुई जेनेटिक मेथड की स्ट्रेटजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रेटजी फॉर केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में चाइना और दुनिया भर के अन्य मिलिट्रीज काफी सिंपल, सिमिलर येट साइंटिफिक रास्ता अपनाते हैं। वो बेसिकली अपने सोल्जर्स को अलग अलग केमिकल्स या फिर ड्रग्स या तो खिलाते हैं या फिर उन पर छिड़कते हैं ताकि इन ड्रग्स और केमिकल्स के उनके बॉडी पर क्या परिणाम होंगे उसे वो स्टडी कर सके। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर टू के वक्त US अपने नेवी सेलर्स को वॉल आइड पाइक फिश का लिवर खिलाते थे ताकि उनकी आंखों के कलर रिसेप्टर सेल्स और ज्यादा विटामिन ए एब्जॉर्ब करके उन्हें इंफ्रारेड विजन दे सके, जो जैसे हम सब जानते हैं अंधेरे में देखने के लिए जरूरी होता है। एंड यही वजह थी कि वो अफ्रीकन अमेरिकन्स पर भी मस्टर्ड गैस टेस्ट किया करते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी अगर इस गैस के प्रति स्ट्रांग निकली तो केमिकल वॉरफेयर में उन्हें आगे रख सके और गोरे सोल्जर्स को पीछे रख सके। खैर, इस फील्ड में अगर हम चाइना को देखें तो वो अब तक नाइट ईगल पिल बनाकर सिर्फ जर्मन्स के लेवल तक ही पहुंच पाया है, जिसने वर्ल्ड वॉर टू के वक्त अपने आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को पर्विटिन नाम का मेथैम्फेटामाइन एंटी स्लीप पिल का नशा लगा दिया था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर टेक्नोलॉजिकल मेथड्स। अपने सोल्जर्स को टेक्नोलॉजिकली एनहांस करने के लिए चाइना ने 2019 में ही एक कॉम्पिटिशन रखा था विद द नेम सुपर वॉरियर्स। इस कंपटीशन का बेसिक एम ये था कि इस कंपटीशन में शोकेस होने वाले रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स को पीएलए के रिसर्चर्स की मदद से और ज्यादा इम्प्रूव करके पीएलए सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कनिंग, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज किसी भी तरह के एनहांसमेंट्स के अपने कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सुपर वॉरियर्स, इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एनहांसमेंट। जब चाइना के ही यांग कुई ने लुलू और नाना नाम के इन बेबीज को, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज को डेवलप किया था तो उसने क्रिस्पर कास 9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से हम बेसिकली हम किसी भी जीन को काफी प्रिसाइसली ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं एट एनी डिजायर्ड प्लेस इन द DNA। और इसीलिए ही ने क्रिस्पर की मदद से उन ट्विंस में से CCR5 नाम के एक जीन को ही डिलीट कर दिया था जो यूजुअली HIV इन्फेक्शन को बढ़ाने में एक की रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंपल एक आई कलर के लिए भी बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो आई कलर किसी एक जीन से सिर्फ रेगुलेट नहीं होता है। अब इसके चलते खुद क्रिस्पर की डिस्कवरी करने वाली जेनिफर डॉडना ने भी अपनी डिस्कवरी के बाद साइंटिफिक डिस्कशन की मांग की थी। I have called for a global conversation about the technology that I co-invented so that we can consider all of the ethical and societal implications. क्योंकि क्रिस्पर को बस ब्लेटेंटली यूज करने से टेस्ट सब्जेक्ट्स के DNA में अनवांटेड जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं,
लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर इवन कैंसर। यानी कि सिर्फ क्रिस्पर जैसा एक एफिशिएंट टूल होना जरूरी ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें ह्यूमन जीनोम की सभी बिट्स एंड पीसेस के पूरे पजल को भी अच्छे से समझना और उसे आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इंप्लिकेशंस ऑफ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स लाइक मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट सब्जेक्ट्स की लाइफ में जिंदगी भर के लिए मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा पैदा कर सकते हैं। जैसे कि 93 इयर्स के ब्लैक एक्स यूएस सोल्जर रॉलिंस एडवर्ड्स, जो आज भी माइंड यू अलग अलग लोगों के पास एक जार में इतने सालों से जमा किए अपने स्किन के टुकड़े यानी कि फ्लेक्स लेकर पहुंच जाते हैं ताकि वो वर्ल्ड वॉर टू के वक्त उनके ऊपर क्या अत्याचार हुए थे वो सबको बता सके। Now, implications of technological methods. अब तक देखे गए genetic और chemical methods के negative implications well documented हैं। इसीलिए उसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। It is already there. But since technological enhancements अभी भी अपने primitive यानी बहुत ही rudimentary stage में हैं, it is very difficult to predict कि इसके negative implications क्या होंगे। लेकिन एक इशू जो मुझे लगता है जो ऐसे किसी भी एनहांसमेंट से हो सकता है वो ये है कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स हमको उन पर ओवर डिपेंडेंट बना सकते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि हमारे जो ह्यूमन मसल्स है वो हमेशा के लिए रिडंडेंट हो जाए, बिकॉज वो मशीन या फिर वो स्टील या फिर वो मेटल हमारे लिए कोई भी चीज़ उठाने का काम कर रहा है और हमारा मसल है। एंड इससे इन द लॉन्ग रन हमारी बायोलॉजिकल कैपेसिटी ही डिक्रीज हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि हमारे सोल्जर्स बन जाए टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बट बायोलॉजिकली वीक। खैर, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप जो भी समझते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू नो। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको फेस का वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो और इसे एक लाइक भी कर दो। ऐसे ही और इंफोटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल गेट सेट कर फ्रेंड को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्रेंड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।